गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, एमिनेंट फैकल्टी मेंबर्स, एलुमनाई गेस्ट मिस्टर अनूप कुमार राय एंड डियर स्टूडेंट्स. हियर आई एम उज्ज्वल भारती, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर के एन माइपर, ऑन द बिहाफ ऑफ डॉक्टर के एन एम एफ, इन्वाइटिंग ऑल ऑफ यू फॉर टूडेज वेबिनार ऑन द टॉपिक इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन. इट इज द 86th वेबिनार ऑफ द सीरीज होस्टेड बाय डॉक्टर के एन एम एफ. I think the topic of the webinar, that is Indian system of medicine, it is more concerned to the syllabus of B.Pharm second year. And for this presentation, two students are invited of that is Sashikesh Shukla and Manishka Sharma of B.Pharm second year. As it is well known fact that traditional system of medicine always played an important role in meeting the global health care needs. So they are continuing to do so at present and shall play major role in future also. To obtain optimum benefit and to understand the way these systems function, it is necessary to have minimum basic level information on their different aspects. So before starting the webinar, now I would like to invite respected director sir to say some motivational words to our presentees and attendees. Please, director sir. A very good afternoon to all the participants. My dear students, it is a matter of delight for all of us that today a webinar is going to be there on a very important and relevant topic, that is Indian system of medicine. And it is particularly relevant in today's scenario when the world is suffering from corona problem, then definitely the importance and relevance of Indian medicinal system will play a major role in deciding the fate of this pandemic. So here I extend my good wishes to all the participants to take maximum benefit out of the webinar. Thank you very much. All the best. Thank you, sir. Now, Sashikesh, you may proceed for the presentation. Sashikesh. Thank you, ma'am. Good afternoon, all of you presented here, respected director, sir, junior, senior, and my classmate, respected alumni, sir. I am Sashikesh Shukla from B.Pharm second year. और आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ, जो कि है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन. सबसे पहले हम समझेंगे कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता क्या है. जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में रहने वाले ह्यूमन डिजीज को ट्रीट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते थे. जैसे यूनानी सिस्टम को ग्रीस में लोग यूज करते थे, चाइना के लोग चाइनीज सिस्टम यूज करते थे. सेम इंडिया में जो ह्यूमन्स रहते थे वो डिजीज को ट्रीट करने के लिए जो टेक्निक या मेथड यूज करते थे उसको हम इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बोलते हैं. मैम पेज चेंज करेंगे. हाँ, ओके. इंडिया के लोग बेसिकली आयुर्वेदिक सिस्टम, होम्योपैथिक सिस्टम, यूनानी सिस्टम और सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन को यूज करते थे. मैम नेक्स्ट पेज. ओके, अब हम अपने फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन. सबसे पहले हम समझेंगे कि जो टर्म आयुर्वेदिक है उसका मींस क्या होता है. आयुर्वेदिक वर्ड दो वर्ड से मिलके बना है. फर्स्ट है आयु, जिसका मींस होता है लाइफ. सेकंड है वेदा, जिसका मींस होता है साइंस. मींस आयुर्वेदिक का मीनिंग होता है साइंस ऑफ लाइफ. जो आयुर्वेदा होता है ये बहुत ओल्डेस्ट सिस्टम होता है मेडिसिन का, जो एग्जिस्टेंस में आया अबाउट 900 BC में. ओके, चरक और सुश्रुत ने आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है. चरक ने एक बुक लिखा जिसका नाम था चरक संहिता, और इन्हें ही आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का फादर बोला जाता है. ओके मैम नेक्स्ट पेज. अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदिक सिस्टम. मींस आयुर्वेदिक सिस्टम का प्रिंसिपल क्या होता है. इनका बेसिकली तीन प्रिंसिपल था, जिसमें फर्स्ट है पंच महाभूता थियरी. पंच महाभूता जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बनना है. पंच मींस फाइव,
Mahabhuta means element, means five element. ये theory कहता है कि जो whole universe है वो basically पांच element से means five element से मिलके बना है. इसमें first है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश. और जो human body होता है वो भी इन्हीं पांच basic element से मिलके बना होता है. जिसमें जो बॉडी का सॉलिड पार्ट होता है वो पृथ्वी मींस अर्थ से मिलके बना होता है. बॉडी में प्रेजेंट जो लिक्विड पार्ट होता है वो जल मींस वाटर से मिलके बना होता है. थर्ड है वायु. वायु मींस एयर. एयर हमेशा फ्लो करता रहता है. तो बॉडी के ऐसे सिस्टम जो हमेशा फ्लो करते रहते हैं उनको हम एयर से मिलके बना होता है. ये जो पांच बेसिक एलिमेंट होते हैं इसमें जो अग्नि है वो मेटाबॉलिज्म और डाइजेस्टिव ऑर्गन को बनाता है. और आकाश का मींस होता है एम्प्टी स्पेस. मींस बॉडी में ऐसे ऑर्गन जो जिसमें कैविटी पाई जाती है, एम्प्टी स्पेस पाया जाता है, वो आकाश से मिलके बने होते हैं. मैम नेक्स्ट पेज. जो ये पांच बेसिक एलिमेंट है मींस पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये बॉडी के सेवन बेसिक टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं जिनको हम सप्तदाहु बोलते हैं. ओके इसमें फर्स्ट है रसा मींस लिम्फ, सेकंड है रक्त मींस ब्लड, थर्ड है ममशा मींस फ्लेश, फोर्थ है मेदा मींस फैट, फिफ्थ है अस्थि मींस बोन, सिक्स है मज्जा मींस मैरो, और सेवेंथ है शुक्रा मींस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ओके मैम नेक्स्ट. अब हमारा सेकेंड थियोरी है त्रिदोषा थियोरी. जो ये पांच बेसिक एलिमेंट है मींस फाइव बेसिक एलिमेंट, पंच महाभूता, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये ह्यूमन बॉडी में कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होते हैं जिसको हम वता, पिता, कफा बोलते हैं या त्रिदोषा बोलते हैं. स्पेस और एयर का कॉम्बिनेशन को वता बोलते हैं, फायर और लिक्विड के कॉम्बिनेशन को पिता बोलते हैं, और लिक्विड और सॉलिड के कॉम्बिनेशन को कफा बोलते हैं. जब ये त्रिदोषा जो है वो बैलेंस्ड फॉर्म में होते हैं तो नॉर्मल कंडीशन होती है, और इनमें कोई भी इम्बैलेंस होता है तो वो डिजीज को कॉज करता है. इसमें जो वटा होता है वो रेगुलेट करता है बेसिकली साइकिक सेंटर को और नर्वस सिस्टम को. अगर इसमें इम्बैलेंस होता है तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, हार्ट डिजीज, ईएनटी डिजीज होते हैं. पिता जो होता है वो बेसिकली रेगुलेट करता है एनर्जी प्रोडक्शन को, डाइजेशन को. अगर इसमें कोई इम्बैलेंस होता है तो इनडाइजेशन होगा, लीवर से रिलेटेड डिजीज हो जाएंगे. ओके हमारा थर्ड पॉइंट है कफा. कफा जो होता है वो बेसिकली हार्ट को, फ्लूड के फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है. और इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है मींस इम्बैलेंस होता है तो ब्रेन से रिलेटेड डिजीज होती है. ओके मैम नेक्स्ट पेज. हमारा थर्ड प्रिंसिपल है रसा गुण वीर विपाका प्रभाव सिद्धांत. जो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसमें जो ड्रग होता है उसको द्रव्य बोलते हैं, और ये जो रसा गुना वीर विपाका प्रभाव है ये द्रव्य की बेसिक पांच क्वालिटीज होती हैं, जिसमें रस का मींस होता है टेस्ट, गुण का मींस होता है टेस्ट, वीरिया का मतलब होता है एक्टिव प्रिंसिपल की मेडिसिन जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसका प्रिंसिपल क्या है, विपाका मींस होता है डाइजेस्टिव प्रोडक्ट की जो मेडिसिन हम ले रहे हैं उसका डाइजेशन होगा या मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, और फिफ्थ है प्रभावा. प्रभावा मींस उसका फार्माकोथेरेपेटिक एक्शन क्या होगा. मैम नेक्स्ट. अब आते हैं डायग्नोसिस इन आयुर्वेदिक सिस्टम. जो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन होती है उसमें हम बेसिकली पेशेंट में दोषाज को चेक करते हैं, मींस चेक करते हैं कि वता, पिता, कफा जो है वो बैलेंस्ड फॉर्म में है या उनमें कोई इम्बैलेंस है. हम पेशेंट के नेल्स चेक करेंगे, टंग चेक करेंगे, उसके हेयर्स को चेक करेंगे, और पेशेंट का पल्स के रिकॉर्ड करके उसकी डायग्नोसिस करते हैं. और हम पेशेंट में जो एक्सक्रेटरी मटेरियल होता है मींस यूरिन, स्टूल, स्वेट, उनको भी चेक करेंगे. ओके मैम नेक्स्ट. अब आते हैं ट्रीटमेंट पे. बेसिकली आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हम एलिमिनेशन थेरेपी, एलिवेशन थेरेपी, साइकिक थेरेपी और सर्जरी थेरेपी का यूज करते हैं. इसमें ट्रीटमेंट में हम सिंगल मेडिसिन देते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन, साथ ही साथ कॉम्बिनेशन को भी यूज करते हैं, मींस मेडिसिन का कॉम्बिनेशन भी यूज करते हैं जिससे मेडिसिन की पोटेंसी इंक्रीज हो जाती है. एलिमिनेशन थेरेपी में बेसिकली जो डिजीज का कॉज होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं. मैम नेक्स्ट फेज. ब्रांचेस ऑफ ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदिक सिस्टम. अब हम बात करेंगे कि आयुर्वेदिक सिस्टम में कौन कौन से ब्रांच हैं.
इसमें जो जनरल मेडिसिन होती है उसको हम काया चिकित्सा बोलते हैं, सर्जरी जो होती है उसको शल्य चिकित्सा बोलते हैं, नेक्स्ट करना है आपकी आवाज, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी बेटा। पल की बात करते हैं, मींस ऐसे ड्रग जो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यूज होते हैं। इसमें फर्स्ट है अर्जुन अरिष्ठा, जिसको कि हम हार्ट डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। सेकंड है खदिर अरिष्ठा, इसको हम बेसिकली स्किन डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। थर्ड है त्रिफला चूर्णा, इसको हम जनरल डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। और फोर्थ है चिरियंता अर्का, इसको हम फीवर में यूज करते हैं। मैम नेक्स्ट, हमारा सेकेंड टॉपिक है सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जो सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन होता है वो बेसिकली साउथ इंडिया में यूज किया जाता था, साउथ इंडिया में भी तमिलनाडु में। अगस्त को फादर ऑफ सिद्धा मेडिसिन बोलते हैं, और इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम अगत्या चरकू था। मैम नेक्स्ट पेज, अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिद्धा मेडिसिन। इनका जो प्रिंसिपल था वो बेसिकली वता पिता कफा पे बेस्ड था, जिसको कि हम त्रिगुणास बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से भी ओल्डर सिस्टम है। ओके, इनमें जो वता पिता कफा है, अगर ये बैलेंस फॉर्म में होता है तो नॉर्मल कंडीशन होती है, इसमें कोई भी इम्बैलेंस होता है तो डिजीज डेवलप होता है। जो वता होता है वो बेसिकली इसमें इम्बैलेंस होता है तो फ्लॉचुलेंस, एसिडिटी, ओबेसिटी जैसी डिजीज होती हैं। पिता में कोई इम्बैलेंस होता है तो बर्निंग चेस्ट, रेडिस आई, मेंटल डी अरेंजमेंट, एनीमिया जैसी डिजीज होती हैं। और कफा में कोई इम्बैलेंस होता है तो फीवर, हार्ट अटैक, जॉइंटिस टाइप की डिजीज डेवलप होती है। एम नेक्स्ट पेज, डायग्नोसिस इन सिद्धा सिस्टम। डायग्नोसिस समझने से पहले हम एक टॉपिक और समझेंगे। इसमें जो वता पिता कफा होता है वो जैसे एक दिन होता है तो उसमें कुछ टाइम के लिए वता प्रीडोमिनेंट होता है, कुछ टाइम के लिए पिता, कुछ टाइम के लिए कफा, मीन्स ये टाइम डिपेंडेंट होता है। वता जो होता है वो 6 AM से 10 PM और 6 PM टू 10 PM प्रीडोमिनेंट होता है। पिता जो होता है वो 10 AM टू 2 PM और 10 PM टू 2 AM प्रीडोमिनेंट होता है। कफा जो होता है वो 2 PM टू 6 PM एंड 2 AM टू 6 AM प्रीडोमिनेंट होता है। अब बात करेंगे डायग्नोसिस पे कि जो सिद्धा फिजिशियन होते थे वो डायग्नोसिस कैसे करते थे। सिद्धा फिजिशियन बेसिकली पेशेंट में नाड़ी चेक करते थे, मींस पेशेंट का पल्स चेक करते थे, ध्वनि मींस स्पीच चेक करते थे, मैनर ऑफ टॉकिंग की पेशेंट बात कैसे कर रहा है। थर्ड पॉइंट है त्वका, मीन्स उसका टंग चेक करते थे, उसके थ्रू एग्जामिनेशन करते थे। एम नेक्स्ट पेज, देहम मीन्स उसकी बॉडी चेक करते थे, नीरम मीन्स कलर चेक करते थे कि बॉडी में येलोइश कलर तो नहीं है, मलम मीन्स फीसिस को या एक्सक्रेटरी मटेरियल को चेक करते थे, सेवेंथ है मूत्रम मीन्स यूरिन को चेक करते थे, एट्थ है विजही मीन्स आई को चेक करते थे, उसके थ्रू डायग्नोसिस करते थे पेशेंट की। मैम नेक्स्ट पेज, अब आते हैं ट्रीटमेंट पे कि सिद्धा फिजिशियन ट्रीटमेंट कैसे करते थे। सिद्धा फिजिशियन जो थे वो बेसिकली हर्ब्स का यूज करते थे किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए। इसमें जो सिद्धा फिजिशियन थे उनको बहुत सारे हर्ब्स के बारे में नॉलेज थी और उसका स्पेसिफिक कंपोजिशन जिसपे वो किसी भी डिजीज को ट्रीट कर सके। ये जो फॉर्मुलेशन बनाते थे उसमें बेसिकली प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, मिनरल सोर्स और मेटल कुछ यूज करते थे, जिसमें है मर्करी, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। ओके मैम नेक्स्ट पेज, जो इनकी फॉर्मुलेशन थी वो कुछ इस टाइप से थी, मींस वो पाउडर को चूरना बोलते थे, मेडिकेटेड ऑयल को तैलम बोलते थे, डिकॉक्शन को कैल्शियम बोलते थे, पिल्स और टैबलेट को सेल्गी बोलते थे, मेटल कॉम्प्लेक्स को चेंडुराम बोलते थे, कैल्सिनेटेड ड्रग को भस्म बोलते थे। मैम नेक्स्ट पेज, अब है इसमें सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन में लास्ट टॉपिक जो कि है पथ्या। पथ्या मीन्स होता है फूड प्लानिंग।
जो सीधा सिस्टम था उन्होंने कुछ फूड को रिस्ट्रिक्टेड बताया था और कुछ फूड को नॉन रिस्ट्रिक्टेड फूड बताया था। मीन्स इन्होंने कुछ फूड को बोला कि इसको सीधा मेडिसिन में जो पेशेंट होता है वो उसको ले सकता है, कुछ फूड नहीं ले सकता। रिस्ट्रिक्टेड फूड का एग्जांपल है चिकन, मैंगो, कोकोनट, मस्टर्ड, एलमंड्स, और नॉन रिस्ट्रिक्टेड फूड का एग्जांपल है व्हीट, मिल्क, घी, वेजिटेबल, गॉट मीट एक्सेट्रा। थैंक यू सर। नाउ आई रिक्वेस्ट टू मनीषका टू प्रोसीड फर्दर प्रेजेंटेशन। Good morning, everyone. Respected director sir, respected alumni, respected faculty members, respected seniors, and my dear friends. Myself, Manishka Sharma, and I'm from Dr. K. N. Maipur. I'm in second year. Today, I'm going to represent the topic Unani system of medicine and homeopathy system of medicine. First, I'm going to start with the Unani system of medicine. So let's get to know some basic information about the system. Unani system was first originated in Greece and it was started by the great philosopher Hippocrates. He basically introduced the documentation of the medicinal history. And at the end of the 5th century, the Nestorian Greek, he introduced the Greek civilization to Arab. And this system was developed by Arabs and it became popular as Arab system of medicine and was also known by the various names in different parts of the world like Islamic medicine, Lonian medicine, Oriental medicine, etc. In India, Unani system was introduced by Arabs. Muslims, they bought this system, and even the Hakims. The Hakims, they are basically the physicians. In Muslims, the physicians are known as Hakims. The next point is this system, it was slowly spread all over the India during the Muslims' rule. Right, next I'm going to start. Ma'am, can you please change the slide? Next, I'm going to start with the principle of Unani system. It is based on the principle put forward by the Hippocrates, basically. Here, the disease is considered as the natural process and its symptoms are the reaction of the body to the disease. So, basically, therefore, chief function of the physician was to aid the natural force of the body. The principle, it is based on two theories. The one is Hippocrates' theory and the second one is Pythagorean theory. First, I'm going to discuss about Hippocrates' theory. It basically consists of four humors. Manishka mute ho gaya hai. They basically regulates the function of the body. Even these four humors, they help to get the body nourishment. Every person has a unique constituent, or we could say the healthy state. So any abnormality in these four humors, they lead to the disease. And these four humors are, first, blood, which is also known as balm in Unani system. The second one is phlegm, which is known as balgam. The third one is yellow bile, which is known as sofra. And the fourth one is black bile, which is known as soda. Slide, please. Now we're going to start with the next theory, which is Pythagorean theory. It again consists of four proximate qualities. And these are the state of living human body. And these states are of four types: cold, hot, moist, and dry. Humors themselves assigned as a temperament, and the four qualities which are present in the combination and they represent the four basic elements in the human body. Now I'm going to tell about the four basic elements according to the humors and even the qualities the humors belongs to. As I told you about the humors before, so the first humor I talked about was blood. It consists of the qualities like its qualities are hot and moist. So basically, according to its quality, it belongs to the element air. This next one is phlegm, and its qualities are cold and moist. And according to these qualities, it belongs to the element water. The third one is the yellow bile. It belongs to the quality hot and dry. And according to this, it consists of the element
fire. And the last one, black bile, it has the quality of cold and dry. So basically it consists of the element earth. Now here, the point is ki how does the organs develop according to these elements? The two elements are responsible for the development of the organs, and those are earth and water. And even the energy which is developed in us, which is produced in us, it belongs to the elements, and the elements are air and fire. Now humors, or I could say the qualities which are present in different proportions in the human body, they vary from person to person. One or more humors, it predominates, giving rise to a quality or the nature or the temperament, or I could say mijaz. There is a power of self preservation in this in the body, and if this power it weakens, so the imbalance in the humoral composition, there will be the imbalance in the humoral composition, and it may lead to the disease. Now, can you please change the slide? Next, we will talk about diagnosis in Unani system. Basically, the diagnosis is done by the physician, but in Unani system, these physicians, they are known as Hakims. So here, the following things are analyzed during the diagnosis. That is the pulse reading. Ma'am, slide please. Or the examination of the sputum, urine, and the stools, or even the recording of the parameters such as patient's physiology, their age, gender, habitat, family history, etc. So basically, the main focus of the system is to treat the root cause of the disease rather than its symptoms. One slide, next slide. Now we will come on the treatment. The treatment is, it is divided into two parts. The first part is that we have to first remove the cause of the disease, which is also known as detoxification. And the second one is that we have to strengthen the natural defense mechanism of our body so that our body can fight against any disease. Next slide, please. Now, Unani system consists of three therapies, and these three therapies are regimental therapy, diet therapy, pharmacotherapy. So first, we are going to discuss about the regimental therapy. It basically means the detoxification of the body by removing the toxins. And the most important point is that regimental therapy is also known as ilajbil tadbir. Now here, the detoxification of the body in this therapy is done by different methods. The methods are, the first one is diaphoresis. Diaphoresis basically initiates sweating, which helps in the removal of the toxic substance. The second method is diuresis, which means elimination of toxic substance through urine. The third one is venesection. In this blood purification method, this is the blood purification method, which is done by cutting the veins. The fourth one is the exercise, which is basically important in our daily life also. Fifth one is leaching, which means it is used for the removal of the substances from the blood, like clotting, etc. The sixth one is Turkish bath. In this, this bath, basically, it is used for the removal of the dead tissues. And many more methods are used. So I'm going to stop here with the methods. The next therapy is the diet therapy. Ma'am, previous slide, please. The next therapy is the diet therapy. The quality and the quantity of a food is regulated. And diet therapy is also known as ilajbil ghiza. Ma'am, next slide. Now, the third therapy is pharmacotherapy. It basically deals with the use of medicines, and most commonly natural drugs are used in this kind of therapy. And this therapy is also known as ilajbil dawa. The next topic is materia medica. Materia medica is basically the ancient book which contains the information about medicinal herbs. And it even describes drugs which is obtained from the herbs, animals, and mineral resources. Next slide. The next topic I'm going to discuss about is the homeopathy system of medicine, which is even common
system in India also. First, we're gonna know that what is homeopathy means. Homeo means similar, and pathos means suffering. Basically, homeopathy means similar suffering. So it means the cause of the disease itself, it can be used for its treatment. Homeopathy system was introduced by the German physician Dr. Samuel Hahnemann. Then next slide, please. Now I'm going to discuss about the principles of homeopathy system. The most basic principle of homeopathy system is similibus curantur, which basically means likes are cured by likes. Now the seven principles I'm going to discuss here are individualization, principle of similia, principle of simplex, principle of minimum dose, law of providing, law of dynamization, and vital forces. First, I'm going to discuss about the individualization. Ma'am, next slide, please. Individualization is the concept which maintains that no two individuals in the world, they are same. Two individuals cannot be same, right? So hence the disease affecting the individual and the response to the same disease, they would be different from the person to person. The next principle is principle of similia. It's basically that substances which are cause of disease, they can be used to cure the disease in the patients. Next, ma'am, please. Next principle is principle of minimum dose. Basically, the minimum dose of a medicine at a time, which is just a sufficient to exert the vital force of an individual. It is basically about it, the potency of the individual and even the drug. The next principle is the law of proving. In this, the testing of the drug is done on healthy volunteers, and if the drug, they produce similar symptoms in the healthy person as that of the diseased person, the drug is considered as suitable for treating that disease. Next slide, please. Before discussing about diagnosis, there are two more principles which I'm going to discuss about. That is law of dynamization. In this, medicines, they are used to treat the disease. They should have the dynamic action to act on a dynamic disturbance of the life force. Right. Therefore, the drugs are there potentized to enhance the curative power. The last principle is the vital force. In this, it is a dynamic power which preserves life force and its normal state, which indicates good health. Now let's discuss about the diagnosis in homeopathy. It is basically based on the collection of the detailed case and history and medical history. The second one is it is based on the investigation of the symptoms and even the sensations. The third point is the buildup of a symptoms picture of a patient. And even we have to do the diagnosis, which is based on the likes, dislikes, food habit, and even the personality of the patient. Now, next slide, please. Let's discuss about the treatment now. Homeopathy system, they basically use drugs in the form of mother tincture, small pills, and even the powders, etc. So here the preparation of the doses, they involve three processes: tincturation, succession, and serial dilution. Then next slide, please. The sources of homeopathy I'm going to discuss here, and the sources are, they may be plants, animals, minerals and chemicals, serum and vaccines. In plants, the sources can be plants and even fungi, etc. In animals, they can be the secretion and the saliva of the animals or etc. In case of minerals and chemicals, it can be toxic metals, inorganic salts, etc. And in case of serum, it can be protoplasm of the animal or the hormones. In case of vaccine, it can be bacterial and viral products. The last point I'm going to discuss about homeopathy system is disadvantage of it.
The disadvantage is the selection of the correct drug is very difficult in homeopathy medicine, and even it takes long period of time to cure the chronic cases. Thank you so much. I'm gonna finish this presentation right over here. Thank you. Hello. Yes, ma'am. Thank you, Manishka and Sashikesh. Now I am glad to inform that our prestigious alumni of our institute, Mr. Anoop Kumar Rai, has joined us today. So please, Anoop, give your valuable remarks to the session. Anoop. Hello. Ma'am, both of them were very effective, ma'am. Very effective presentation they have presented. And I just like to add that little bit more could have been explored in this topic. They could have done with naturopathy and mud therapy and all that aromatherapy. They could have put some light on that also. But anyhow, both of them have good presentation skills and fluency was good. That's it. Okay. Thank you, Anoop, for your valuable remarks. Now I would like to invite respected director sir to conclude the session. Sir, it was a very nice presentation on the very important topic, and I hope that all the participants must have got benefited by this webinar. I'm happy to see that today Dr. Shailesh is present here with us. He's director at the School of Pharmacy, Dr. K. N. Modi University. Sir, Dr. Shailesh. Hello. Okay, he might be muted. Okay, no problem. So I am thankful to all the participants who are present in this webinar, and I extend my good wishes for my students for the forthcoming exam also. Thank you very much.